नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चैन स्वेटर में, हाफ में, फुल में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा और ढेर सारे डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन में 1 फंदा उल्टा और ये एज स्टिच है, इसे हम सीधा बनाएंगे। शुरुआत में हमने 1 फंदा उल्टा बनाया, फिर 3 फंदे सीधा, फिर 2 फंदे उल्टा, 3 फंदे सीधा, 2 फंदे उल्टा, यानी इन्हीं 5 फंदों को 3 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा हमें पूरी लाइन में दोहराना है। शुरू में 1 फंदा उल्टा रहेगा और लास्ट में भी 1 फंदा उल्टा, ये दोनों एज स्टिच है। रॉन्ग सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा सीधा, फिर 3 फंदे हमने सीधे बुने थे तो उन अपनी ओर करेंगे और इन तीनों फंदों को 2 बार सिलाई में उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। इधर से सीधा था तो उल्टी साइड से ये उल्टे हो जाएंगे, तो 3 फंदे सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए उल्टा, 3 फंदा सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे 3 फंदा सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा और 3 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत में भी 1 फंदा सीधा था और लास्ट में भी 1 फंदा सीधा और ये एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे या फिर सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा। अब इन 3 लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए 5 फंदा हम बनाएंगे। 1 फंदा बना लिया, उन अपनी ओर किया, फिर इसी में एक और फंदा, फिर उन अपनी ओर किया और फिर इसी में एक और फंदा, ये 3 फंदे से 5 फंदा हो गया। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा खोलेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी में एक और सीधा फंदा, इस तरह ये 3 फंदे से 5 फंदा हो गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये तो उल्टे फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदे लपेटे हुए खोलेंगे, तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, एक फंदा हो गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, इससे दूसरा फंदा बन जाएगा, फिर एक सीधा फंदा बना लिया, 3 हुआ, उन अपनी ओर किया, 4 और फिर इसी में एक और सीधा फंदा,
तो ये पाँच हो गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, तो तीन फंदा खुल के और उसमें तीन से पाँच फंदा सीधा बनाते हुए और दो फंदा उल्टा बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा, रॉन्ग साइड से फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे या स्लिप करेंगे और उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और पांच फंदों में से यह हमारा सीधा फंदा है वो, और पांच फंदों में से एक फंदा लेंगे और इसे ऐसे पलट लेंगे। अब सीधा वाला फंदा ऊपर आ गया और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, और ये पांच फंदों में से एक फंदा और ये सीधे फंदों में से एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब ये सीधा वाला फंदा लेंगे, अभी इसे बुनना नहीं है, इसे हम दाहिने सिलाई में ले लेंगे और ये पांच फंदों में से ये एक फंदा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर ये देखिए ये पांच फंदों में से एक फंदा है, इसे और ये एक सीधा फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। और अब इन दो फंदों को लेंगे, आपस में ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, ये तीन से पांच बनाए हुए फंदे हैं और एक सीधा वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर दो फंदों को, नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे और इसे हम आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। अब दूसरा वाला फंदा आगे आ गया है और दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, फिर अगले दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और इन्हें एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब देखिए ये दूसरा सीधा फंदा है ये, और आगे वाला फंदा, दो फंदा लेंगे और इन्हें आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। अब दूसरा फंदा आगे आ गया है और दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एज इट इज जैसा ये है वैसे ही एक उल्टा फंदा बना लेंगे और नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे। देखिए जो दो सीधे वाले फंदे हैं वहीं पे हम ये कर रहे हैं, तो नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। अब दूसरा वाला फंदा ऊपर आ गया है और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट दो फंदा एक साथ लेंगे और एज इट इज जैसा ये है वैसे ही एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे उल्टा। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, फिफ्थ रो में हम अपने पहले लाइन को दोहराएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या फिर सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, तो तीन फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा सीधा बुनेंगे,
और दो फंदा उल्टा। तो फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे और दो फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट में दो फंदा बचेंगे तो एक फंदा उल्टा बना लेंगे और लास्ट फंदा सीधा। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर तीन फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर दो फंदा सीधा। इन्हीं पांच फंदों को तीन फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा और दो फंदा सीधा। इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा और दो फंदा सीधा। तीन फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा और दो फंदा सीधा। तीन फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनने के बाद दो फंदा बचेगा तो एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा। फिर लपेटे हुए तीन फंदे खोलेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए पांच फंदा बनाएंगे, एक उन दूसरी ओर किया, उन अपनी ओर किया, तीन उन अपनी ओर किया और सीधा बुन लिया पांच। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर उन दूसरी ओर किया, तीन लपेटा हुआ फंदा खोलेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी में एक और सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा, फिर दो फंदे उल्टे। इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। और लास्ट में दो फंदा बचेगा तो एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। एथ रो और फ्रंट साइड, रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर देखिए दो फंदों को एक साथ लेंगे और इन्हें हम आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। अब दूसरा फंदा आगे आ गया है, ऊपर आ गया है, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदे एक साथ लेंगे, ये दो सीधे फंदों में से एक फंदा और ये तीन से पांच किए गए फंदों में से एक फंदा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने तीन से पांच किया था तो दो फंदे अधिक हो गए थे और इस लाइन में हम इन दोनों फंदों को घटा दे रहे हैं। तो फिर दो फंदे एक साथ लेंगे, इन्हें आपस में ट्विस्ट करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लिया, यानी एक फंदा घट गया। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर दो फंदे एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एज इट इज जैसा ये है वैसे ही एक साथ लेते हुए और दो का एक कर देंगे, यानी एक फंदा यहाँ घटा दिया। सातवीं लाइन में हमने तीन से पाँच किया था तो दो फंदे बढ़ गए थे और इस लाइन में हम दो फंदों को एक साथ ले रहे हैं, एक सीधा फंदा बना रहे हैं तो एक फंदा घट रहा है और ये दूसरी तरफ में हम दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक ट्विस्ट करा देंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना दिया, यानी यहाँ पर भी हमने दो फंदों का एक फंदा किया तो यहाँ पर दो फंदे घट गए, यानी जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए।
फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए। तो चार लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।